लेकिन एक और बड़ी खबर बड़ी पाकिस्तान से जुड़ी हुई, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। एससीओ की बैठक में नहीं शामिल होंगे इमरान खान। देखिए एक बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के संसदीय सचिव शामिल होंगे, इमरान खान शामिल नहीं होंगे। भारत की मेजबानी में पहली बार एससीओ समिट हो रही है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद को इससे अलग कर लिया है। ये इस बात की इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान की तरफ से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो भारत की मेजबानी में हो रही है उसमें इमरान खान शामिल नहीं होंगे, उसमें शामिल होंगे पाकिस्तान के संसदीय सचिव। मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष इसको कैसे देखें? देखिए दिक्कत यही है पाकिस्तान के साथ कि पहले सार्क और अब एससीओ को भी वो द्विपक्षीय मुद्दों का एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि जब अभी हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई थी एससीओ की, उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे और अब जबकि ये अध्यक्षता भारत के पास आई है और एससीओ के हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग अब भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है, ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस बैठक में शामिल होते तो निश्चित तौर पर यह लगता कि एससीओ को लेकर सभी सदस्य राष्ट्र कम से कम जो बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म की बात कह रहे हैं उसको लेकर गंभीर है। लेकिन पाकिस्तान ने यह दिखा दिया कि हर प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो वहां पर वो अपने द्विपक्षीय एजेंडे से बाहर निकल ही नहीं सकता है और जहां उसे लगता है कि यहां राजनीति नहीं हो सकती है वहां पर वो एब्सेंट हो जाते हैं और इमरान खान ने वही कर दिखाया है। जी ठीक है, मैं कमर आगा साहब के पास जाऊंगा। कमर आगा साहब, तो क्या ये माने कि इमरान खान एक बार फिर जो बार बार बात करते हैं कि भाई हम पीस चाहते हैं, हम भारत के साथ यहाँ पर माहौल सही करना चाहते हैं, लेकिन मौका जब आता है तो वो उससे पीछे हट जाते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए इस समय पाकिस्तान बहुत बड़ी संकट में है, अंदर बिल्कुल रिवोल्ट हो चुका है, जनता ने उनके खिलाफ बगावत जिसे कहना चाहिए का बिगुल बजा दिया है, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं जबकि पैंडेमिक है, उसके बावजूद लोग निकल के आ रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है और उनके इंटरनेशनली ग्लोबली बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं कम्युनिटी में। अभी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कश्मीर का मुद्दे पे डिस्कशन हो जाए, वहाँ पे भी नहीं हुआ, इनको मुंह की खानी पड़ी वहाँ पे। और अब हमने पहले भी देखा है कि जब इंटरनल क्राइसिस होती है उनके यहाँ इस तरह की जब बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक सेपरेट सेशन OIC का बुलाना चाहते थे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पे उनको वो सब कुछ नहीं मिला। तो वो हमेशा बॉर्डर के ऊपर या इस तरह का तनाव बना देते हैं और मुल्क के अंदर ये कहते हैं कि भारत हमला करने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।